हाँ रीवा, क्या कर रही हो? हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम डूइंग गुड। क्या बना रही हो? आज मैं इफ्तार के लिए अपने लिए फ्राइज बना रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। मतलब किसी उम्मीद में नहीं रहना, मुझे चाहिए भी नहीं। एनीवेज, तो फ्राइज तुम नॉर्मल बनाओगे जैसे सब बनाते हैं, कुछ चेंज है इसके? नहीं नहीं, अब रोजे में तो मुझसे कुछ होता नहीं है, तो बस जल्दी मैं करती हूँ अपना सारा काम। ओके, तो तुम जैसे आलू कट करते वैसे कट करा? हाँ, मैं इसको पानी से निकाल कर उसके बाद इसमें मैं नमक डाल दूंगी और फिर इसमें इसको डाल दूंगी। ठीक है जी, मैं एक मिनट लाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे तुमने ऑयल डाल दिया, तुम कम ऑयल में खाती हो? हाँ, मैं तो जितना भी खा लूँ मुझे लगना ही नहीं है। बस अफ्तारी में यही लेती हूँ या और फ्रूट चाट समथिंग? नहीं नहीं, बहुत सारा सामान लेती हूँ। फ्रूट चाट होती है, छोले होते हैं, जूस होता है, पकौड़े बनते हैं। अच्छा, तो व्हाट वुड यू लाइक मोस्ट, मतलब सादा क्या तुम लेना पसंद करती हो इन इफ्तार? मुझे लगता है सबसे ज्यादा इफ्तार में जो है हर घरों में पकौड़े ज्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि पकौड़े ही सबसे ज्यादा मेन डिश होती है रमजानों में। हालांकि सिर्फ रोजे हम पर फर्ज किए गए हैं, पकौड़े तो हमने खुद फर्ज किए हैं अपने लिए। दैट्स सो ट्रू, और ये बात तो है। अब मैं रीवा को थोड़ी सी कुकिंग सिखाते हैं, क्योंकि ऑयल का जो काम है वो अरीबा करते हुए थोड़ा सा करती है, तो डेट्स वाई मैं पोस्ट कर डाल रही हूँ। आई थिंक ज़्यादा हो जाएंगे, सब डाल दो। हाँ हाँ, सब डाल दो। ओके,